हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडियन रसोई। फ्रेंड्स, मैं हूं कोसला चौधरी और आज इस वीडियो में मैं आपको हरे मटर का हलवा बनाने की विधि बताऊंगी। यह थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है लेकिन मटर का हलवा काफी टेस्टी बनता है। आपको यह रेसिपी जरूर ट्राई करनी चाहिए। रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और भी रेसिपीज के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा लें। अब तो आप मेरे वीडियो राजस्थानी भाषा में भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मटर का हलवा बनाना शुरू करते हैं। मटर का हलवा बनाने के लिए मैंने आधा किलो हरे मटर के दाने लिए हैं। सबसे पहले हम इनका पेस्ट तैयार करेंगे। इन्हें मिक्सी के जार में डाल देते हैं। जार पर ढक्कन लगाकर मटर का पेस्ट बना लेते हैं। मटर का पेस्ट तैयार कर लिया है। इसे हल्का दरदरा सा ग्राइंड किया है। आप इस पेस्ट को ज्यादा बारीक भी नहीं करें और ज्यादा मोटा भी नहीं रखना है। जार को साइड में रख देते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम एक तिहाई कप घी डालकर गरम कर लेते हैं। घी मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें यह मटर का पेस्ट डाल देते हैं। इन्हें मिक्स कर लेते हैं। घी और मटर का पेस्ट मिक्स हो गया है। अब हम इसे भुनेंगे। गैस की आंच मध्यम रखनी है। लगातार करछी से चलाते हुए इसे हम भुनने की महक आने लगे तब तक भुनेंगे। मटर के पेस्ट को भूनते हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं। इसकी महक आने लगी है। यह अच्छी तरह भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध और 1/2 कप से थोड़ी कम इसमें हम डालेंगे चीनी। इन्हें मिक्स कर लेते हैं और गाढ़ा होने तक पकाते हैं। चीनी आप अपनी पसंद से कम या ज्यादा डाल सकते हैं। इसे पकाते हुए लगभग 6-7 मिनट हो गए हैं। हलवा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से काजू और थोड़ी सी बादाम की टुकड़ी। इन्हें मिक्स कर लेते हैं और 1 मिनट तक और पकाते हैं। 1 मिनट बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। इसे भी मिक्स कर लेते हैं। हलवा अच्छी तरह पक गया है। गैस ऑफ कर देते हैं और इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। बहुत ही टेस्टी हलवा बना है, आप भी जरूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक नमस्कार।